गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सीड एज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड जैसे एज लाइक मोनोकॉट डाइकॉट इन सब सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक को, फिर वही टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो आज का टॉपिक की मैं बात करूँ, टुडे टॉपिक की मैं बात करूँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्रॉम सीड। प्रीवियस क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड की मैंने बात किया था। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होती है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू नो दैट प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था कि यू नो दैट सीड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सीड क्या है, आपका प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो द सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। इसको आप ध्यान से सुनोगे, सीड, द सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। देखो, जब आप सीड को सॉइल में कल्टीवेट करते हो, कल्टीवेट मतलब लगाना, ओके, जब कल्टीवेट करते हो तो वो क्या होता है, एक न्यू प्लांट में बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट, जैसे सपोज़ मानो कि ये सपोज़ मानो कि ये सीड है, ओके। जब आप इसको सीड को सॉइल में डाल लोगे, सॉइल में आप डाल लोगे, ये क्या होगा, एक बेबी प्लांट, न्यू प्लांट में क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ओके, दिस न्यू प्लांट, जो इस न्यू प्लांट में फॉर्मेशन होगी, दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीडलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे। एंड सीड टर्न इनटू सीडलिंग। देखो, ये सीड इस प्रोसेस में गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीड जो है इस प्रोसेस में गया, सीड टर्न्स इनटू सीडलिंग। यहां देखिए, सीड जो है सीडलिंग में टर्न करेगा, कन्वर्ट करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड को हमने मिट्टी में डाला तो वो क्या हुआ, सॉइल में डाला तो वो क्या, मतलब एक बेबी प्लांट में फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या हुआ, सीडलिंग स्टेज में गया। दिस इज कॉल्ड, जो सीडलिंग स्टेज में गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। नाउ नेक्स्ट, यहां पे देखो, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर लार्ज डिस्टेंस। सीड का जो स्कैटरिंग होती है ओवर लार्ज डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड या सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल की मैं बात करूं, देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफरेंस होती है, तो जस्ट लाइक यहां पे सीड क्या होगा, मतलब स्कैटरिंग होगी। जैसे मान लो स्कैटरिंग का, स्कैटरिंग दैट मींस क्या, कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना, मतलब यहां से वहां पहुंचना, उसको हम लोग स्कैटरिंग बोलेंगे, फैलना, पहुंचना। तो यहां पे कह रहा है द स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड का स्कैटरिंग जो क्या हो, एक लार्ज डिस्टेंस पे, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल या डिस्पर्सल ऑफ सीड। ओके, अब देखो मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, तो थ्री फोर टाइप्स, सो मेनी टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल विंड डिस्पर्सल, सेकेंड वाटर डिस्पर्सल, थर्ड एनिमल डिस्पर्सल, एंड लास्ट थ्रू सीड ब्रस्टिंग। ओके, थ्रू सीड ब्रस्टिंग। अब देखो, तो मैं बात करता हूं अगर विंड डिस्पर्सल, सो व्हाट इज विंड डिस्पर्सल। अगर मैं बात करूं कि विंड डिस्पर्सल होता क्या है, या विंड डिस्पर्सल कहेंगे किसको, तो देखो रिप्रोडक्शन सीड का ही हो रहा है, ये टाइप है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड, सीड से ही हो रही है, बट सीड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे देखो विंड डिस्पर्सल, विंड डिस्पर्सल दैट मींस थ्रू एयर, अगर रिप्रोडक्शन ऑफ सीड थ्रू एयर, दैट इज कॉल्ड विंड डिस्पर्सल। अगर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होगा, सीड का जो रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में, वो किसके थ्रू हो, एक मीडियम होनी चाहिए। जैसे देखो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ या आप मेरी बातों को समझते, मीडियम है तो एक मीडियम होनी चाहिए। जो रिप्रोडक्शन जो होती है प्लांट में, वो क्या होती है, एक मीडियम पे डिपेंड करती है, एज लाइक वाटर, एनिमल्स, एयर, दिस इज मीडियम। ये क्या एक मीडियम है, वो क्या करता है, डिपेंड करता है एक रिप्रोडक्शन, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होता है, डिपेंड्स करता है मीडियम। ओके, तो यहाँ पे इसी बात को लिखा है कि ये मीडियम के बेस पे डिवाइड किया गया, ये जो है आपका याद रखो, ये मीडियम के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है विंड डिस्पर्सल, विंड डिस्पर्सल दैट मींस द डिस्पर्सल ऑफ सीड या स्कैटरिंग ऑफ सीड थ्रू एयर, एयर के थ्रू अगर डिस्पर्सल होगा, दैट इज कॉल्ड विंड डिस्पर्सल। जैसे एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, कॉटन एंड डेड लियॉन,
कॉटन के प्लांट, जब देखो अगर कॉटन के प्लांट को आप देखोगे वो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब एयर चलती है तो वो सीड जो होता है छोटा छोटा सीड वो क्या होती है एयर के थ्रू हल्का होता है तो वो उड़ जाएगा एयर के थ्रू और वो किसी दूसरे प्लांट में। कॉटन का ही ब्रेक ये बात कहता है कि स्पेसीज सेम होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैंगोज के ट्री पे जा सके कॉटन का रिप्रोडक्शन हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका क्या होना चाहिए कि जो स्पेसीज सेम होनी चाहिए, प्लांट का स्पेसीज सेम ही, इस बात को आप याद रखोगे तो कॉटन में क्या होता है सीड वो एयर के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, इससे फिर न्यू जर्मिनेशन एग्जिस्ट करे और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। फिर मैं बात करता हूँ वाटर, तो वाटर डिस्पर्सल की अगर मैं बात करूँ, वाटर डिस्पर्सल मतलब क्या, स्कैटरिंग ऑफ सीड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू अगर सीड का स्कैटरिंग होगी दैट इज कॉल्ड वाटर डिस्पर्सल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे वाटर डिस्पर्सल। जैसे ये एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सपोज एट मन कोकोन, एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है लोटस और कोकोन। देखो कोकोनट जब गिरती है, जैसे मान लो यहाँ पे कोकोनट बहुत सारे सी के किनारे जो सी जो होते हैं समुद्र होते हैं, आप साउथ में जाओ तो देखोगे समुद्र किनारे बहुत सारे पेड़ होते हैं कोकोनट, तो वो जब गिरते हैं नीचे तो पानी के थ्रू क्या अपलोड होकर के दूसरे जगह पर चले जाएंगे, तो वो फिर से सब ज्वाइल में चला जाएगा, तो क्या होगा जैसे ही ज्वाइल में जाएगा तो जर्मिनेशन एग्जिस्ट करेंगे, अरे आफ्टर जर्मिनेशन क्या होगा न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे मीडियम का काम कौन किया, ये ट्रांसपेरेंस का काम किसने किया, वाटर किया, सो दिस इज कॉल्ड वाटर डिस्पर्सन। जस्ट लाइक लोटस में भी इसी तरह से होते हैं। मैं नेक्स्ट बात करूँ एनिमल डिस्पर्सन, तो एनिमल डिस्पर्सन का अब देखो एनिमल, तो एनिमल में चाहे वो स्मॉल एनिमल रहती है ऐसे लाइक जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना, ह्यूमन बींग्स में भी ये इस तरह से ऐसा होता है। तो अब देखो जैसे अगर मैं बात करूँ एनिमल डिस्पर्सन, तो इसमें क्या हो एनिमल के थ्रू, जैसे मान आप फ्लावर को तोड़ते हो सुबह सुबह, जैसे फूल तोड़ते हो तो फूल पे जो मेल पार्ट होता है पोलन ग्रेन, अगर आप फूल को तोड़ोगे तो वो क्या होगा वहां पे देखोगे कि वहां पे आपके व्हाइट येलो कलर में हाथ में पाउडर जैसे स्ट्रक्चर लग जाएंगे आपके, वो पोलन ग्रेन कहलाता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा उनसे बातों को, वो पोलन ग्रेन के आप फिर दूसरे फ्लावर, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही फ्लावर को टच करोगे, दूसरी फ्लावर में टच करोगे वो पोलन ग्रेन उस फ्लावर में आएगा, जिससे क्या होता है रिप्रोडक्शन एक्सिस्ट करती है। या जैसे मान दूसरी और जैसे कि गिलहरी को देखते हो वो क्या होता है एक सीड को उठा के वहाँ रख देता है, या बर्ड्स को देखते हो कि बर्ड क्या करती है एक फ्रूट को सीड जो है वो फ्रूट खाएगी उसके अंदर सीड होती है वो सीड को उठा करके दूसरे प्लांट पर पहुँचा देती है, दूसरे जगह गिरा देती है, दूसरी मिट्टी पर डाल देती है वहाँ पे सॉइल पे, तो वहाँ पे क्या करती है ये सारे जो रिप्रोडक्शन एक्सिस्ट किए हो किसके थ्रू एनिमल के। नेक्स्ट बात करते हो थ्रू सीड ब्रश, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है बट डिफरेंट है नहीं, आप कोशिश करोगे समझने को। सीड ब्रश ब्रस्टिंग का टैटू, द ब्रस्टिंग मीन्स क्या, ब्रस्टिंग मीन्स की बात करते हो ब्लास्ट करना फटना। जैसे सपोज एट मानो कि पी है, अगर मानो कि पी है, जैसे मानो सपोज एट मैंने यहाँ पी ये पी बना दिया, ये मान लीजिए कि पी है, तो ये पी रैपन पी है, जैसे मान लीजिए कि पका हुआ पी है, ठीक है। जब पका हुआ पी को अगर आप टच करोगे तो ये जो ऊपर का जो सीड कोट होता है जिससे मैंने पढ़ाया था कवर, ये कवर क्या होगा उठ जाएंगे हट जाएंगे कवर, और हट जाएंगे तो ये जो सीड जो है ये क्या होगा बाहर निकल जाएंगे, और ये बाहर निकले तो क्या होगा सॉइल में चला जाएगा, और जैसे ही सॉइल में गया तो क्या होगा जर्मिनेशन विल बी एग्जिस्ट, और जर्मिनेशन अगर एग्जिस्ट होंगे दैट मीन्स क्या रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट। सो ब्लास्टिंग का मतलब जैसे ऑलमंड, ऑलमंड में भी क्या होता है वो अपना जब रैपिंग हो जाता है तो वो क्या होता है ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट का मतलब ये नहीं समझना कि ब्लास्ट करके सबको तहस नहस कर देगा, नो नो दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ ब्लास्ट। ये ब्लास्टिंग का मतलब क्या, ब्रस्टिंग का मतलब है हल्का सा ब्लास्ट हटेगा जिससे उसका सीड कोट हटेगा, सीड कोट हटेगा तो जिससे आपका क्या होगा न्यू प्लांट मतलब सीड जो है सॉइल में ग्रो कल्टिवेट हो जाएगी, एंड आफ्टर कल्टिवेशन जर्मिनेशन विल बी एग्जिस्ट, एंड जर्मिनेशन एग्जिस्ट किया बेबी प्लांट की क्या होगा फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज कॉल्ड थ्रू सीड ब्रस्ट। तो आप इन सारी बातों को फिर से अपने बुक में रीडिंग करेंगे, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करोगे और ट्राई करोगे कि आपके बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको ट्राई करोगे कि आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके थैंक यू।